भारत का भरोसा अब सपने देखने में नहीं, अब उसे साकार करने में है। भारत का बढ़ता कद, विश्व मंच पर प्रभावी शख्सियत, भारत के मस्तक पर सहस्त्रों सूरज की चमक, और इस चमक के बीच में श्रम की अनेक बूंदे, संघर्ष की अनगिनत कहानियां और बीते सालों की कई उपलब्धियां, और उनमें से एक बड़ी उपलब्धि अब आपके समक्ष। आज से कई दशक पहले की बात है, हमारी पूर्वी सरहद के उस पार काला घना अंधेरा छाया था। इंसानियत की हद पार हो चुकी थी, मानवता सवाल उठा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हमसे पूछ रही थी कि ये काले बादल कब छटेंगे, इस अंधेरी रात का सूर्य कब उदय होगा, क्या कभी इस काली रात का अंत होगा। और फिर हमारे देश ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। अपने पड़ोसी मुल्क जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस देश की आजादी के लिए खुद जंग के मैदान में उतरने का निर्णय लिया। घमासान युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसने इतिहास रच दिया। यह था 1971 का मुक्ति युद्ध, जिसका एकमात्र मकसद था पूर्वी पाकिस्तान की विवश तड़पती आवाम को आजादी दिलाना। कैसे हुआ यह मुमकिन, इस निर्णायक युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही, आइए शुरू से शुरू करते हैं और 1971 के इस मुक्ति युद्ध की बारीकियों पर नजर डालते हैं। में विभाजित हुए पाकिस्तान का नक्शा आज के पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। जन्म से ही पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पूर्वी और पश्चिम, और दो हिस्सों के बीच था भारत का भूखंड। स्वतंत्रता पश्चात भारत उन्नति और लोकतंत्र के पथ पर अग्रसर होता रहा, वहीं उसके विपरीत पाकिस्तान नागरिकों पर दमन के रास्ते आगे बढ़ता गया। भाषा और धर्म पर आधारित विघटनकारी नीतियों का सहारा लेकर तानाशाही रवैया अपनाता रहा, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और उपद्रव का माहौल बनता गया। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आम जनता में भड़कती संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো, মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। और उसके बाद जो हुआ वह आज भी हमारे दिल को दहला देता है। इस जघन्य सैन्य अभियान के दौरान 30 लाख निर्दोष नागरिकों का सरेआम कत्ल किया गया और 3 लाख से ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार किया गया। बांग्लादेश की प्रताड़ित और सहमी हुई जनता अपना देश घर बार छोड़कर भारत में शरणार्थियों का जन सैलाब बनकर उमड़ पड़ी, और इस भयानक संकट के बीच साहस, संवेदना और मानवता का उदाहरण बने भारत के लोग शरणार्थी कैंपों में डॉक्टर, नर्स, मानव अधिकार संगठनों और आम नागरिक, समाज का हर अंग उन्हें इस बड़े संकट से उभारने के लिए पूर्णतः प्रयासरत था।
पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और विनाश के खिलाफ अकेले रक्त रंजित संघर्ष में जूझती जनता को उम्मीद की एकमात्र किरण भारतीय जनता और भारतीय सरकार ने प्रदान की। इस गंभीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूक था, पर श्रीमती इंदिरा गांधी इस नरसंहार को होते देख चुप नहीं रह सकती थी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी चिंता का विषय बन चुका था। उन्होंने थल सेनाध्यक्ष के साथ कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उस समय भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल सैम मानेकशॉ। मैं आपको पूर्वी पाकिस्तान में भेजना चाहती हूं। दिस मीन्स वॉर, इसका मतलब है युद्ध। इस वक्त यह उचित कदम नहीं होगा। हमें लड़ाई की तैयारी के लिए समय चाहिए और बरसात के मौसम में पूर्वी पाकिस्तान की नदियों में उफान आने की वजह से क्रॉस कंट्री मूवमेंट लगभग नामुमकिन होगी। सेना कब तक तैयार हो जाएगी? अगर हमें आवश्यक सामान और उपकरण मिल जाते हैं तो सशस्त्र सेनाएं 15 नवंबर 1971 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और यूए तरफ भारतीय सेना के तीनों अंग युद्ध की तैयारी में लग गए। वहीं भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करना शुरू कर दिया। यह वही विद्रोही बल मुक्ति वाहिनी था जिसका गठन पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ और अपनी स्वतंत्रता के लिए हुआ था। कर्नल एम ए जी उस्मानी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी ईस्ट बंगाल राइफल्स के नियमित ऑफिसर और जवानों पर केंद्रित होकर तैयार किया गया। भारतीय सेना ने 2 डिवीजन साइज फोर्स नियमित और तकरीबन 50,000 अनियमित गोरिल्ला को रिकॉर्ड समय में गठित और प्रशिक्षित किया। मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल की चौकियों की मदद से सैन्य अभियान शुरू कर दिया। गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते हुए उन्होंने बंदरगाह, पावर प्लांट, उद्योग केंद्र, रेलवे और गोदामों जैसे पश्चिमी पाकिस्तान नियंत्रित स्थानों पर घात लगाकर छापामारी कर तहस नहस कर दिया। वहीं पाकिस्तानी भी अपनी तैयारी बढ़ चढ़कर कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए उन्होंने भारत के साथ लगे तमाम सीमावर्ती इलाकों के प्रमुख शहरों और कस्बों को किले की तरह मजबूत बनाया और बांग्लादेश में घुसने के तमाम सड़कों पर सेना की मजबूत मोर्चाबंदी की। एक तरफ भारत में सैन्य तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ वहां पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला कर उनके लड़ने की इच्छा को लगातार छिन कर रही थी। फेनी बेलोनिया बल्ज 16 किलोमीटर लंबा, 4 से 6 किलोमीटर चौड़ा, 3 दिशाओं से भारतीय क्षेत्र से घिरा बांग्लादेश का इंक्लेव, इलाके का मुख्य सप्लाई लाइन, चिटागोंग से राजधानी ढाका की लाइफ लाइन। बेलोनिया बल्ज की तीनों लड़ाई बंगाली आवाम की वीरता, युद्ध कौशल और बलिदान का प्रतीक है। इस लड़ाई ने दुनिया को बता दिया कि जिन दिलों में मुक्ति की मशाल जल रही हो उनका वजूद गोलों, बंदूकों और तोपों से मिटाया नहीं जा सकता। धैर्य खोते हुए याहिया खान ने पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी और 3 दिसंबर की रात को कई भारतीय ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए और यूं हो गया युद्ध का आगाज। और भारत ने तुरंत जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। इस समय तक भारत अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। भारत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट युद्ध की रणनीति बनाई और युद्ध का स्पष्ट उद्देश्य था बांग्लादेशी आवाम को आजादी दिलाना। और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत ने हर मुमकिन कदम उठाने की ठान ली। भारत
भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के कमांडरों ने यह तय किया कि पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना मजबूती से मोर्चा संभालेगी और आक्रामक तरीके से अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगी। पूर्व की तरफ थल सेना, जल सेना और वायु सेना अपने आपसी सामंजस्य से बहुत तेजी से आक्रमण कर बांग्लादेश के बीचों बीच स्थित ढाका तक संपूर्ण इलाके पर अपना कब्जा बनाएगी और दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे से भारत में घुसने की कोशिश की और 4 दिसंबर को जैसलमेर पर कब्जे के लिए भारी मात्रा में पाकिस्तानी टैंक और सेना आगे बढ़ने लगी। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में मुट्ठी भर 23वीं पंजाब रेजिमेंट के भारतीय जवानों ने पूरी रात भारी तादाद में आए दुश्मन और टैंकों की विशाल पाकिस्तानी सेना को रोके रखा। सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना के विमानों ने लोंगेवाला के रेगिस्तान को पैटर्न टैंक के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। वहीं बसंतर के इलाके में भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच 1971 का सबसे घमासान युद्ध लड़ा गया। टैंकों की लड़ाई के दौरान 17 पुना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल मानो अकेले ही न जाने कितनों पर भारी पड़े। वे निडर अपने टैंक में आगे बढ़ते रहे और दुश्मनों के टैंकों को एक के बाद एक तबाह करते गए। जब वे खुद दुश्मन के टैंक के निशाने पर आए तो उन्हें टैंक छोड़कर जाने का आदेश मिला, पर वे डटे रहे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। Alpha-1, you must leave the tank and move back. Over. Alpha-1, okay. My main gun is still working. I will get them. Over. उनकी प्रतिक्रिया थी, मेरी मुख्य बंदूक काम कर रही है और मैं उन्हें मौत के घाट उतार कर रहूंगा। बसंतर के युद्ध में ही जरपाल गांव में 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अरुण खेत्रपाल और 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह ने अपना रण कौशल दिखाकर परमवीर चक्र पाने का सम्मान पाया। 14 दिसंबर को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे। तभी श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तान के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला करना शुरू कर दिया। हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जब फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों उड़ान भरने ही वाले थे, तभी रनवे पर बम गिराया गया। धुंध, धूल और धुएं के बीच भी उन्होंने उड़ान भरी और दुश्मनों के पीछे लग गए। थोड़ी देर बाद अचानक साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमन के विमान में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की आवाज गूंजी, मैं 2 सेबर जेट जहाजों के पीछे हूं, किसी भी कीमत पे मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। शायद मेरा नेट भी निशाने पे आ गया है। कुमन, अब तुम मोर्चा संभालो। इसी संदेश के साथ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेठ भी गति को प्राप्त हुए। उन्होंने दुश्मन के 2 सेबर जेट को मार गिराया और दुश्मन के श्रीनगर एयरबेस को बर्बाद करने के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अद्भुत साहस, अकल्पनीय युद्ध कौशल और जाबाजी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना में परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले सैनिक बने। वहीं भारतीय नौसेना ने समुद्र में वर्चस्व की कहानी रची। भारतीय नौसेना ने युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे, एक था बंगाल की खाड़ी में पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान का अरब सागर की ओर से मुकाबला करना।
उन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के तहत सामरिक तौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण कराची बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया। इन ऑपरेशंस के दौरान भारतीय नौसेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अपने साहस और बहादुरी के लिए कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुक्ति वाहिनी के नौसेना अंग ने पश्चिमी पाकिस्तानी नौसेना के समुद्री रास्ते से आने वाले रसद, बंगला, चिटागोंग, चांदपुर, नारायणगंज में मौजूद जलयान को डुबोकर हमेशा हमेशा के लिए महासागर के हवाले कर दिया। मुक्ति वाहिनी के वायुवा, जिसे किलो फोर्स कहा जाता था, पाकिस्तानी वायुसेना और पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के ऑफिसर और जवानों से बना था। भारतीय वायुसेना द्वारा दी गई कुछ जहाजों की मदद से वे जमीनी लड़ाई में कारगर मदद देने में सफल रहे। इधर पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तीन दिशाओं से ढाका पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी। कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पूर्वी युद्ध क्षेत्र को चार सेक्टरों में बांटा था। उत्तर पश्चिमी सेक्टर में भारत की ओर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर और कूच बिहार जिला शामिल था। लेफ्टिनेंट जनरल एमएल थापन के नेतृत्व में 33 कोर को रंगपुर, राजाशाही और बोगरा के क्षेत्र द्वारा सैन्य उद्देश्य पूरा करना था। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल डीएन रैना के नेतृत्व में 2 कोर को पश्चिमी सेक्टर से जसोर और खुलना के महत्वपूर्ण पाकिस्तानी गैरिसन के बीच से आक्रमण करने का कार्यभार सौंपा गया। चिटागोंग पहाड़ियों से कॉक्स बाजार के तटीय क्षेत्रों और सिलहट और कोमिला के मैदानों तक के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए भारतीय सेना के आक्रमण के मुख्य प्रहार की जिम्मेदारी 4 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को दी गई। 101 कम्युनिकेशन जोन को मजबूत कर उत्तरी ओर से जमालपुर और मायमन सिंह के क्षेत्रों से आगे बढ़ने का काम सौंपा गया था। पूर्वी इलाके के युद्ध के दौरान एक और वीर गाथा लिखी गई, लांस नायक एल्बर्ट एक्का की वीर गाथा। दुश्मन ने गंगा सागर में बढ़ते भारतीय फोर कोर को रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी।